अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं कौन सी डिश बनाने जा रही हूँ? आज मैं वो डिश बनाने जा रही हूँ जो घर में बच्चे बच्चे की फेवरेट होती है। बच्चे हों या बड़े हों, सबकी वो फेवरेट होती है, और वो मेरी भी बहुत फेवरेट डिश है। वो है बिरयानी। आज मैं बिरयानी बनाने लगी हूँ। हाँ जी, इससे पहले कि हम बिरयानी बनाना स्टार्ट करें, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, और चलते हैं अब हम बिरयानी बनाने की तरफ। चलें जी, बिरयानी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैं प्याज और लहसुन डाल रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर फ्लेम ऑन करूँगी और हाई फ्लेम पर इसको फ्राई करूँगी, और इसको मैं तकरीबन 10 मिनट फ्राई करूंगी। और उसके बाद मैं इसमें टमाटर और अदरक ऐड करूंगी। मैं यहाँ पर 5 से 6 मीडियम साइज़ के टमाटर इसमें ऐड किए हैं। अगर आपके पास टमाटर बड़े हैं तो आप इसमें 3 टमाटर या 4 टमाटर डालने काफ़ी होंगे। यहाँ पर मैंने 1.5 किलो गोश्त डाला है, और उसके बाद थोड़ा सा मैंने इसमें हल्दी और 1 चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च और 1.5 चम्मच मैं यहाँ पर नमक डाल रही हूँ। और अब इस सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। आपने यहाँ पर पानी जो है वो 3 से 4 ग्लास डालने हैं। इतना पानी डालें कि आपको बाद में फ्राई करने के लिए अलग से पानी ना डालना पड़े। कुछ पानी आप डालेंगे और कुछ ये चिकन ही छोड़ देगा, तो उसमें ही ये फ्राई भी हो जाएगा। पानी डालने के बाद मैं इसको हाई फ्लेम करके कवर करूंगी, और जैसे ही इसमें बॉयल होएगा तो मैं फ्लेम मीडियम कर दूंगी, और इसको 10 मिनट के लिए हम इसको गलने के लिए छोड़ेंगे। और ये देखें जी, यहाँ पर हमारा चिकन फर्स्ट क्लास गल गया है जितना हमें चाहिए था। उसके बाद हम अब इसको फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा पानी नहीं डालूँगी, क्योंकि जो इसका अपना पानी है वही काफ़ी है। और अब मैं यहाँ पर इसमें 3 से 4 डोडा मिर्च डाल रही हूँ, और यहाँ पे मैं इसमें 1/4 टीस्पून काली मिर्च का ऐड करूँगी, और मैं इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाले का ऐड करूँगी। उसके बाद मैं इसमें 1/2 टेबलस्पून मैंने इसमें सूखा धनिया पाउडर डाला है, और इसमें मैंने 1 टेबलस्पून जो है ज़ीरा ऐड किया है। उसके बाद मैं इसमें 1 टेबलस्पून दादर मिर्च का ऐड कर रही हूँ, और 1 पीस मैंने इसमें दालचीनी का ऐड किया है, और छोटा सा पीस मैंने बादिया खताई का, और 3 से 4 अब मैं इसके बाद इसमें लौंग ऐड करूंगी। लौंग ऐड करने के बाद मैं इस सबको अच्छे से मिक्स कर लूंगी, और थोड़ा सा फ्राई होने के लिए छोड़ूंगी, और साथ साथ थोड़ा थोड़ा चम्मच चलाऊंगी ताकि जो हमारा ये चिकन है वो नीचे ना लगे, जले नहीं, इसलिए आपने साथ साथ चम्मच भी चलाना है। ये देखें, हमारा पानी यहाँ पे ड्राई हो गया, और अब मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ। दही में मैंने पहले से ही जो है बिरयानी मसाला मिक्स कर लिया है, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा दही डाल रही हूँ, और बाकी थोड़ा देर में डालूँगी ताकि ये वाला जो हाफ दही मैंने डाला है उसको अच्छे से मिक्स कर लूँ, और वो थोड़ा सा उस दही के साथ फ्राई हो जाए। उसके बाद मैं बाकी का इसमें डालूँगी दही। मैंने बिरयानी मसाला यहाँ पर नेशनल का ऐड किया है। अगर आप लोगों को किसी और ब्रांड का पसंद है तो आप लोग किसी और ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो बाकी का दही था मैं वो भी ऐड कर रही हूँ, और इस सबको अच्छे से फ्राई करूँगी मैं। दही ऐड करने से जो होती है चिकन की जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी, अगर थोड़ी बहुत आ रही होगी। वैसे तो नहीं आ रही, जितना फ्राई किया है नहीं आती, लेकिन दही ऐड करने से ज़रा मज़ेदार किस्म की बिरयानी हो जाती है, तो इसलिए हम दही यहाँ पर ज़्यादा ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 पाव दही ऐड किया है। मैंने पानी का यूज़ नहीं किया उसको फ्राई करने के लिए, मैंने पहले ही पानी ज़्यादा डाला था, और उसको फिर पानी को ड्राई होने के लिए छोड़ा, जिससे वो वैसे ही काफ़ी हद तक फ्राई हो गया था। उसके बाद इसमें मैंने दही डालकर इसको फ्राई किया है। इस तरीके से आप लोग फ्राई करें और मसाला बनाएं बिरयानी का, ये बहुत ही मज़ेदार किस्म का बनता है। और ये देखें, बहुत ही मज़े की खुशबू आना शुरू हो गई है, और बस हम थोड़ा सा इसको और फ्राई करेंगे ताकि ये जो दही से जो पानी वगैरह निकला है ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। ये देखें, जहाँ पर हमारा मसाला तकरीबन बिल्कुल रेडी हो गया है। आपने इसको ज़्यादा थिक नहीं करना है, बस थोड़ा सा ग्रेवी भी छोड़नी है,
ये देखें जिस तरह का ये हो गया है रेडी, इस तरह का आपने रेडी करना है। अब मैं इसमें दो बारीक कटे हुए नींबू और मैं इसमें आलू बुखारा ऐड कर रही हूँ। नींबू और आलू बुखारा बिल्कुल एंड पे आपने ऐड करना है ताकि वो उसकी स्टीम में ही थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। और ये देखें हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो गया। चलें जी अब इनकी लेयर्स लगाते हैं। यहाँ पर मैंने चावल पहले से ही बॉईल करके रखे हुए हैं। मैंने इसको 80% कुक किया है, 100% चावलों को मैंने कुक नहीं किया। आपने 20% छोड़ देने हैं, 100% बिल्कुल कुक नहीं करने हैं। जो बाकी के 20% हैं वो आपके दम में ही हो जाएंगे। और चावलों को बॉईल करने के लिए मैंने पानी में 2 टेबलस्पून मैंने इसमें विनेगर ऐड किया था और 2 से 3 मैंने इसमें तेज़पत्ते ऐड किए थे, 5 से 6 इलायचियाँ ऐड की थी और साबुत काले मिर्च। और उसके अलावा मैंने इसमें 2 बादिया खताई के फूल, 1 बड़ी स्टिक मैंने इसमें दालचीनी की और 5 से 6 मैंने इसमें लौंग डाले थे और मैंने इसमें 1 मोटी इलायची डाली थी। विनेगर मैं इसलिए ऐड करती हूँ ताकि जो मेरे चावल हैं वो आपस में जुड़े नहीं, किले किले बने। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसमें 1 लेमन लेकर उसका जूस निकाल कर वो डाल सकते हैं। अब ये देखें जी हमारी पहली लेयर लग गई है और इसमें मैं फूड कलर ऐड करूँगी और उसके बाद मैं यहाँ पर दूसरी लेयर डालूँगी। दूसरी लेयर के लिए मैं यहाँ पर चिकन ऐड कर रही हूँ इसके ऊपर। और हम इसके ऊपर दूसरी लेयर के ऊपर चिकन ऐड करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा मैं इसमें पुदीना ऐड करूँगी। पुदीना मैं लेयर के बीच में इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि जब हम पुदीना लेयर के बीच में ऐड करते हैं तो उसकी ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है। बिरयानी की जो खुशबू है बहुत ही मज़े की आती है। अगर आपने लेयर में ऐड नहीं करना तो कोई बात नहीं, आप इसको बाद में ऊपर से भी डाल सकते हैं। अब ये देखें जी मैं इसमें पुदीना ऐड करने लगी हूँ, इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा हमारी बिरयानी में और इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी आती है। और पुदीने के साथ मैंने यहाँ पर 4 से 5 सब्ज़ मिर्च ऐड की है और अब मैं ये बाकी के जो चावल हमारे रह गए हैं वो भी ऐड कर दूँगी और यहाँ पर फूड कलर इसके ऊपर अच्छे से डाल दूँगी। और ये देखें जी हमारी जो लेयरिंग है वो डन हो गई है और अब मैं इसको दम लगाने के लिए रख रही हूँ। दम के लिए आपने पहले चूल्हा 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पर रखना है, उसके बाद आपने इसको दम की आँच करनी है। फ्लेम आप लोगों ने इसलिए करना है ताकि जो हमारी हंडिया है वो अच्छे से गर्म हो जाए और उसमें स्टीम पैदा होना शुरू हो जाए। अब ये देखें जी हमारी बिरयानी यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो गई है और हम अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमारी मज़ेदार किस्म की बिरयानी देखें बिल्कुल पककर रेडी है, बहुत ही मज़े की लग रही है। और ये मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि मसाला सारा अच्छे से चावलों के साथ मिक्स हो जाए और एक जान हो जाए ये सब कुछ। ये देखें जी कितने मज़े की खुशबू आ रही है और कितने मज़े की हमारी बिरयानी रेडी हो गई है, बिल्कुल तैयार है एकदम खाने के लिए। अब तो वेट भी नहीं किया जा रहा। आई होप कि आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। हाँ जी, तो आपने देखा कि मैंने किस तरह से बिरयानी बनाई है। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। अगर कोई चीज़ आप लोगों को फरमाइश पे बनानी है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें, मैं उसको ज़रूर बनाकर दिखाऊंगी आप लोगों को। चलिए जी मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।